के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ललित अग्रवाल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। जल्दी से मैं बता दूं कि अगर वीमार्ट की परफॉर्मेंस देखें तो ऑफकोर्स देश भर में उनके ऑलमोस्ट 370 स्टोर्स हैं, फोकस टीयर टू टीयर थ्री सिटीज पे ज्यादा है। तो रियली क्या हो रहा है हिंटरलैंड में, क्या हो रहा है इंडिया में, रियली ये हमें एक सेंस मिलेगा किस तरीके की डिमांड आ रही है और क्या ये सस्टेनेबल है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पहले तो जैसा हम बात करें सेक्टर आउटलुक 2022, क्या क्यूज हैं सर? जैसे कुशल बता रहे थे कुछ कंसर्न्स हैं बट डिमांड ट्रेजेक्ट्री स्ट्रांग दिख रही है, वाकई ये ट्रांसलेट हो पाएगी सर पूरे साल के लिए? क्या इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे? और क्योंकि अनसर्टेनिटी अब कई हद तक यहाँ पर हटते हुए नजर आ रही है, एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट। नमस्कार। बड़ी अच्छी बात है कि आप हमें आगे का 2022 का विजन दिखा रहे हैं, बट ड्राइवर तो आज तो हमें कुछ कुछ चीजें हैं। कंजम्पशन ही ड्राइवर बनेगा। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से नीचे ग्राउंड लेवल पे भी काम हो रहा है, वो बहुत ड्राइव करेगा। स्पेशली बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन है, वहां से भी इकोनॉमी थोड़ी बिल्डअप होती है, तो वहां से भी कुछ ना कुछ आएगा। सो आई थिंक मार्केट अच्छा लग रहा है। अगर आपका ये ओमिक्रॉन जो ओमाइक्रॉन वायरस है वो बहुत ज्यादा रोल ना प्ले करे तो मार्केट तो अच्छा दिख रहा है, बट थोड़ा सा चैलेंजेस है अपैरल टेक्सटाइल सेक्टर में, जैसे आपके एंकर बता भी रहे थे कि जो जीएसटी भरने से और थोड़ा सा कमोडिटी प्राइसेस के राइज की वजह से ओवरऑल अपैरल का प्राइस जो है वो 20 से 25% बढ़ जाएगा, तो उससे थोड़ा सा क्वांटिटेटिव कंजम्पशन में थोड़ा सा वीकनेस, थोड़ी सी वीकनेस दिख सकती है। वो हमें थोड़ा फियर है क्योंकि इतनी बड़ी पॉकेट साइज कस्टमर की नहीं बढ़ी है जिससे कि उसकी आमदनी 20 से 25% बढ़ गई हो, तो वो थोड़ा सा लग रहा है। बट बहुत डेफिनेटली कॉलेजेस जब शुरू होंगे, वापस से जब स्कूलें शुरू होंगी, पूरा मार्केट शुरू हो जाएगा। शादियां बड़ी धूमधाम से हो रही है, लोगों की सोशल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो गई है, डिजिटल डिजिटल आउटलुक बहुत बढ़ गया है, लोग जी बहुत ज्यादा सोशल ओके मीडिया में अपने आप प्रोफाइल दिखा रहे हैं, तो उससे कंजम्पशन बहुत बढ़ेगी, फैशन कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगी। ओके कंजम्पशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, डिमांड स्ट्रांग है अभी कह रहे हैं, बस थोड़े जो कंसर्न्स हैं वो डेफिनेटली ऑन द टेबल है, जैसे जीएसटी के कंसर्न्स आपने बताया अपैरल पर स्पेसिफिकली, और अगर हम बात करें कमोडिटी प्राइसेस या इनपुट प्राइसेस वो बढ़ रहे हैं उसकी वजह से कहीं डिमांड पर कुछ असर ना हो। इन्फ्लेशन ऑफकोर्स एक बड़ा कारण है जो हमें वॉच आउट करना है, थोड़ा सा यहाँ इंडिकेशन है कि वो बढ़ के आएगा। श्योर सर, तो ये तो बात हो गई कि इस वक्त ट्रेंड्स किस तरह से दिख रहे हैं। अगर हम अब आपकी कंपनी के बारे में बात करें और किस तरीके की रिस्पॉन्स आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल्स क्या है सर? अभी जहां तक हमारी लास्ट बात हुई थी आपने कहा था फुटफॉल्स 80% तक प्री कोविड लेवल्स तक पहुंच गए हैं Q2, क्या अब ये और बेहतर यहाँ हुए हैं और ये ट्रांसलेट हो रहे हैं सेल्स में इन अ बिग वे? बहुत अच्छा ही गया है। दिवाली का सीजन एक हफ्ता पहले से थोड़ा सा शुरू हो गया था, और शादी का सीजन अच्छा था तो नवंबर महीना भी ठीक गया था। अब उसके बाद वापस से थोड़ी सी ओमिक्रॉन की मीडिया में खबर ज्यादा आ रही है, तो लोग थोड़े सचेत हो गए हैं। थोड़ा सा अभी वापस से थोड़ा सा दिख रहा है कि इम्पैक्ट कम हुआ है, कस्टमर थोड़े कम हुए हैं इस महीने में हम जो देख रहे हैं, तो ओवरऑल लार्जली कस्टमर भी टेस्ट कर रहा है पानी को, रोज ही देख रहा है। जब भी जैसे ही बाजार खुलता है, जैसे ही मार्केट नॉर्मल होता है, पीपल कम आउट इन ह्यूज नंबर, और वहां जहां पर भी हम इवेंट सोशल इवेंट देख रहे हैं, जैसे चाहे फेस्टिवल हो चाहे शादी का माहौल हो, तो कंजम्पशन जरूर बढ़ जाती है। थोड़ी नीड जब जनरेट होती है तब कंजम्पशन बढ़ रही है। जनरल में पब्लिक की आउटिंग थोड़ी कम है, बाहर घूमना फिरना कम है, इंटरनेशनल ट्रेवल बंद है, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा अभी भी नॉर्मलाइज नहीं हुआ है, फुटफॉल नॉर्मलाइज नहीं हुई है और बिजनेस भी नॉर्मलाइज नहीं हुआ है। ओके श्योर, तो थोड़ी सी यहाँ दिक्कत है, कंसर्न्स कॉशियस कह सकते हैं अप्रोच है अभी इस वक्त कंज्यूमर की। सर आपके क्या प्लान्स हैं अब 2022 की अगर बात करते हैं, अब किस तरह से गियर अप करेंगे अगले साल, कितने स्टोर्स खोलेंगे? आपका ऑफकोर्स फोकस ब्रिक और मोर्टार पे ज्यादा है, आपकी केवल 1% सेल्स ऑनलाइन रहती है, बट ऑनलाइन भी एक पार्ट ऑफ योर बिजनेस आपने कहा था आप देख रहे हैं बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी क्या प्लान्स हैं अगर मैं देखूँ मोटा मोटी 2022-23 में किस तरीके की ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं सर? देखिए 2022-23 अच्छा साल होना चाहिए। 2 साल बाद हम अच्छा साल देखेंगे, जब 2019 के नंबर को हम क्रॉस करेंगे, तो 2019 के नंबर को क्रॉस करना जरूरी है। स्टोर हमारा एक्सपेंशन प्लान चलता रहता है और हम एक्सपेंशन प्लान करेंगे। अभी हमने पीछे 74 दुकानें अनलिमिटेड की जो साउथ में चलती थी उसको भी एक्वायर करी थी, तो उससे हमारी स्टोर काउंट अभी काफी हो गए, हम उसको पहले स्टेबलाइज कर रहे हैं, अभी भी हमारी ओपनिंग चल रही है, बट ओवरऑल हम लोग अप्रोक्सीमेटली 4 दुकान पर मंथ खोलते हैं, तो
तो अंदाजा 50 एक दुकान साल की खुलनी चाहिए अगले साल भी, तो मोटा मोटा 20-25% की ग्रोथ आनी चाहिए ओवरऑल, ये हमारी दिशा है। सर जी ऑनलाइन पर जिस तरह से फोकस बढ़ा है और लोगों का भी कंजम्पशन पैटर्न श्योरली शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स ऑनलाइन, आपका फोकस उस स्पेस में कितना रहेगा? वेल डेफिनेटली लोग पसंद करते हैं आना और खरीदना, यू नो द टच एंड फील जो एक एक बात होती है कोई भी शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी ऑनलाइन इज टेकिंग अ बिग चंक स्लोली एंड स्टेडिली ऑफ सेल्स, तो आप ऑनलाइन के लिए कितने गियर्ड अप हैं और कॉम्पिटिशन क्योंकि वहां पर बहुत बढ़ रहा है सर? देखिए डिजिटल सेल्स बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मार्केट डे टू डे हर कंज्यूमर जो है डिजिटली थोड़ा सा मूव कर रहा है, थोड़ा कुछ कुछ कस्टमर थक भी रहे हैं, कुछ कुछ कस्टमर मूव भी कर रहे हैं, बहुत बड़ा इंडिया है और बहुत बड़ी पोटेंशियलिटी है वो डिजिटल सेल्स के अंदर। वी मार्ट अपनी जर्नी पे आगे बढ़ गया है, ऑलरेडी चल रहा है, आज जैसे आपने बताया कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, कॉम्पिटिशन ज्यादा भी है और अभी थोड़ा सा मतलब पावर्ड भी है, बहुत ज्यादा वो अपने पैसे लुटा रहा है और लॉस कर रहा है और कस्टमर को एक्वायर करने की होड़ में है, तो वहां हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हम अपने कस्टमर को कन्वीनियंस देना चाहते हैं, जो कस्टमर हमें जानता है हमें समझता है वो कस्टमर को हम एबिलिटी दे रहे हैं कि घर बैठ के भी आप माल मंगा सकते हो, जब आप स्टोर पे हो तो एंडलेस आइल भी देख सकते हो, जब आप स्टोर से वापस दुकान घर चले गए कोई कस्टमर 20 किलोमीटर दूर रहते हैं कोई 15 किलोमीटर दूर रहते हैं तो वो अपने घरों से ऑर्डर दे सकते हैं और मंगा सकते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी हम फोकस कर रहे हैं, हमने कोई बहुत पैसे जलाने नहीं है, हमने उसके अंदर कोई मीडिया में सोशल मीडिया में एडवर्टाइज करके ज्यादा कस्टमर ड्राइव करने की हम होड़ में नहीं है, बट यस ग्रेजुअली एंड स्लोली ये जरूर एक अहम पार्ट है बिजनेस का और हमारा बहुत बड़ा माइंड शेयर जो हमारे मैनेजमेंट का माइंड शेयर वो बहुत बड़ा जा रहा है, अभी बिजनेस शेयर बहुत बड़ा नहीं आया है बट ग्रेजुअली बिजनेस शेयर फॉलो करेगा। डिजिटली हम लोगों को एम्पावर्ड करना है कस्टमर को, हमें वहां रहना है, हमारे प्रोसेसेस को हमें ठीक करने हैं, हमारे कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करवाना है और वहां भी हमको प्रॉफिटेबिलिटी ला के दिखानी है, ये हमारा हमने चैलेंज लिया है और हम उसको जरूर आगे बढ़ाएंगे और वो बहुत अच्छे से उसको और ग्रो करवाएंगे। ओके बिल्कुल, तो आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं, बट आपका वो एक फोकस एरिया डेफिनेटली है एज फार एज द कंपनीज ग्रोथ प्लान्स गो। करेक्ट सर, आपने बात की कुछ जो एक्विजिशन की, अनलिमिटेड स्टोर्स जो अरविंद फैशन से आपने अक्वायर किए, और अपॉर्चुनिटीज भी देख रहे हैं सर, है स्कोप लेना चाहेंगे? इफ यस, क्या सेगमेंट में आपको लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होके आ सकती हैं, क्या टिकट साइज होगा, किस तरीके के पार्टनरशिप्स देख रहे हैं सर? देखिए हम लोग आज तक हमने दुकानें बनाई है, हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम बायर रेडीमेड के नहीं है, तो हमें बिलीफ है अपनी अपनी टीम पे, हमारा कल्चर बहुत स्ट्रांग है जिससे कि हम अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढ पाते हैं, अच्छे से प्रोजेक्ट को खोल पाते हैं, तो हमें कोई जल्दीबाजी उसमें भी नहीं है कि हमने किसी को एक्वायरी करना है और एक्विजिशन मोड पे है और स्प्री पे है, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है, लेकिन जरूर हम आंखें खुली रखते हैं, देखते रहते हैं, कोई अगर कोई हमारा भाई कोई कॉम्पिटिटर तकलीफ में है और कोई चीज ऐसी लग रही है जिससे हमारी जो ग्रोथ पेस है वो फास्ट हो जाए, हमारा जो 2 साल का विजन है वो थोड़ा सा और जल्दी हम बीट कर लें, तो वो हम जरूर देखते रहेंगे, बट ऐसी कोई अभी अपॉर्चुनिटी हाथ में नहीं है, अभी कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमने जो लिया है उसको पहले हम सक्सेसफुल करना चाहते हैं और अलॉन्ग विद दैट हम अपनी टीम बड़ा करके ग्रोथ भी करना चाहते हैं और ऑर्गेनिक ग्रोथ हमारे लिए बहुत बड़ा एक पार्ट है, हमारे पास बहुत बड़ी एक टीम है प्रोजेक्ट की और डेवलपमेंट की जो कि लगी हुई है उसको ग्रो। ओके, तो आपने कहा ऑर्गेनिक ग्रोथ, अब मैं समझना चाहूंगी सर किस तरीके का कैपेक्स प्लान है अगले साल का कंपनी का, आपने कैपेक्स लैंड भी देखी है फॉर वेयर हाउस, क्या और कैपेक्स लगाएंगे वेयर हाउसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कब तक ऑपरेशनल होगा सर, और हमने देखा था कंपनी इन फर्स्ट हाफ ऑफ FY22 मेड अ लॉस सर, आपको लगता है प्रॉफिट में आ पाएंगे 22 में? फर्स्ट हाफ 22 का जो था वो कोविड इंपैक्टेड था मैडम और इसी कोविड इंपैक्ट से ही लोग जूझ रहे हैं, Q3 हमारा हर समय बहुत अच्छा होता है क्योंकि फेस्टिवल का क्वार्टर होता है, विंटर क्वार्टर होता है, तो Q3 प्रॉफिटेबिलिटी का ड्राइवर भी बनता है, तो जरूर Q3 और Q4 दिखना चाहिए, Q3 में भी प्रॉफिट दिखना चाहिए, Q4 थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है बट डिपेंड करता है कैसा मार्केट रहेगा, बट ओवरऑल जरूर प्रॉफिट आएगा और आना ही चाहिए, कंपैरेटिवली उतना नहीं आ पाएगा बट जरूर आएगा, और आई थिंक अदर देन दैट ऑर्गेनिक के अंदर बहुत बड़ा मार्केट है और हम चाहते हैं कि जितने अब जोन में हम 25 स्टेट्स में फैल गए हैं तो हर 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 जगह पे हमारी स्टोर एक्सपेंशन हो और हमारी पेनिट्रेशन बेटर हो, वो हमारी थॉट रहती है। नंबर क्या है सर केपेक्स और वेयर हाउसिंग पे जो आपने लैंड की बात की है वो क्या डिटेल्स दे सकते हैं आप हमें? सो बेसिकली हमने एक वेयर हाउस के लिए लैंड प्रोक्योर करी है, उसको अभी बन के रेडी चालू होने में 9 से 12 महीना लगेंगे,
तो जिसके अंदर हम ओवरऑल 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो वो ओवरऑल पूरे साल में फेज आउट होगा। 50-40-50 करोड़ का हमने लैंड ऑलरेडी ले लिया इस साल में, अगले साल में हम उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी इंटरनल स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी लगा के उसको ऑटोमेटेड वेयर हाउस बनाएंगे, तो उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। प्लस हमारे स्टोर के केपेक्स के अंदर भी लगता है, जो कि आपको सबको मालूम है 1400-1500 रुपया स्क्वायर फिट का इन्वेस्टमेंट आता है। अप्रोक्सीमेटली 50 स्टोर खोलेंगे तो अराउंड 100 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट वहां भी आएगा। ओके, साल का 100 करोड़ स्टोर्स खोलने में, और जो वेयर हाउसिंग की आपने बात की वो लैंड भी प्रोक्योर करेंगे, 9 से 12 महीने में ही रेडी हो जाएगी। सर आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, इनपुट कॉस्ट प्रेशर सभी सेक्टर्स देख रहे हैं, आपके पर आपके सेक्टर पर भी ऑफकोर्स उसका पड़ रहा है, किस तरीके की प्राइस हाइक्स अभी तक ली गई है, आगे क्या गुंजाइश है और प्राइस हाइक लेने की, और इसकी वजह से मार्जिन्स पर सर क्या आउटलुक रहेगा? प्राइस हाइक ऑलमोस्ट हमने 8-9% की प्राइस हाइक ले ली थी इस करंट ईयर में, और 8-9% की प्राइस हाइक और आएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, और उसके अलावा 7% टैक्स का इजाफा हो रहा है, जो GST 1000 रुपए के नीचे 5% था वो 12% हो रहा है, तो उसके वजह से हम प्राइस हाइक उसमें भी लेके जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी है उसके अंदर हमारा थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, उसके अंदर भी हम प्राइस कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर से चार्ज करें, तो वो हम एक मॉडल मिक्स बनाएंगे, बट ओवरऑल मार्जिन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, बट कस्टमर को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा बिकॉज उसको प्रोडक्ट चाहिए, तो बिकॉज पूरा मार्केट ही उस प्राइस हाइक के मोड पे है और सबको ही उसका दाम बढ़ाएंगे, तो ओवरऑल जो भी प्राइस हाइक होगी वो कस्टमर लेड होगी और हमारे मार्जिन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ओके, तो आप प्राइस हाइक लेंगे, आपने कहा 8-9% और प्राइस हाइक बढ़ेगा, सर इसका टाइम फ्रेम क्या है, एक साथ इतना ले पाएंगे या इसको टुकड़ों में लेंगे, और कब 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 लेंगे सर? 8-9% जो बढ़ेगा वो अगले स्प्रिंग समर के सीजन में हमें दिखेगा, अगले स्प्रिंग समर का जो हमारा रेंज लॉन्च होगा वहां पर हमें और इजाफा करना पड़ेगा, तो वो उस समय हमको कस्टमर को पास ऑन करना पड़ेगा। तो इमीडिएटली अगले 3 महीने में कोई प्राइस हाइक नहीं है? नहीं, वो हमने ऑलरेडी ले लिया, जो लिया हुआ है वही चलेगा।